जैन बच्चों, मामूने शूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 और चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है कि एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आप लोग भी अच्छी तरह से देखें। दिया हुआ है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब देखें यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता है तो इक्वल का साइन जहाँ लगा होता है ना, उसी पॉइंट पर हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ प्रूफ करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू 1 पर हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, राइट की लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों तरफ की लिमिट इक्वल हो जाएगी तो कंटिन्यूस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं एल एच एल, और यहाँ एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यानी ये वैल्यू 1 से लेस होगी और ये है एच टेंस टू 0। फिर यहाँ हम करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, और देखें एक्स इज लेस देन 1, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 5। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, अब यक्स के जगह पे हम कर देंगे 1 माइनस यच और प्लस हो जाएगा 5। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 6 माइनस यच, अब यच के जगह पे अगर हम 0 कर देते हैं तो ये 6 माइनस 0 यानी 6 लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं और एच एल, और देखें फिर यहाँ पर लेट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच कर देंगे और फिर एच टेंस टू 0 कर दिया जाएगा। फिर यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, और देखिए 1 प्लस एच यानी मोर देन 1, तो देखिए एक्स इज मोर देन 1 तो एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स माइनस 5 हो जाएगी। और फिर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह पे रख देंगे 1 प्लस एच माइनस 5। फिर देखें ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये है आपका एच और 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 4। एच के जगह पे हम 0 रख देंगे, ये 0 माइनस 4 इजकल टू माइनस 4 हो गया। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट की लिमिट 6 आई है, राइट की लिमिट माइनस 4 आ रही है, तो ये इक्वल नहीं है। हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन, इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये क्वेश्चन नंबर 15 को हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर यक्स की वैल्यू, यक्स के दो पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ देख रहे हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 0 भी है और x की वैल्यू 1 भी है, इक्वल, हम इक्वलिटी देखते हैं केवल। तो जानते हैं सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, फिर x इक्वल टू 1 पर देखेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 देखते हैं, तो फिर यहाँ पर एल एच एल निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस एच, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस एच मीन्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 या x इज लेस देन 0 है, तो फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0,
और fx की जो वैल्यू होगी वो 2x हो जाएगी, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो टू यक्स के जगह पे हम रख देंगे जीरो माइनस यक्स, यानी ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये माइनस टू यक्स हो जाएगा। अब यच के जगह पे जीरो रख देंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे आर एच एल, तो आर एच एल के लिए हम क्या करेंगे, लेट यक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस यच और एच टेंस टू जीरो कर देंगे। तो देखिए जीरो प्लस एच लिमिट यच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस यच यानी मोर देन जीरो, तो देखिए मोर देन जीरो की स्थिति यहाँ आ रही है, यक्स इज मोर देन जीरो, तो यक्स इज मोर देन जीरो यानी एफ एक्स की वैल्यू जो होगी जीरो होगी, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट की लिमिट जीरो आ गई, राइट की भी लिमिट जीरो आ गई। यहाँ लिख देंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग एक्स इज इक्वल टू वन पे देखेंगे, चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं एट एक्स इजक्ल टू वन, और फिर यहाँ से हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे एल एच एल, तो फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर लेट एक्स इजक्ल टू वन माइनस एच एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू जीरो से है एंड एच टेंस टू जीरो और ये वन माइनस एच लेस देन वन है, तो जब लेस देन वन होगा यक्स की वैल्यू लेस देन वन यहाँ होगा, तो अब फिर मिलेगा आपको यहाँ से लिमिट यच टेंस टू जीरो और एफ एक्स की जो वैल्यू होगी जीरो हो जाएगी, यानी ये वैल्यू जीरो हो गई। अब इसके बाद हम फिर निकालेंगे यहाँ आर एच एल, तो आर एच एल के लिए लेट एक्स इजक्ल टू वन प्लस एच एंड एच टेंस टू जीरो, वन प्लस एच एंड एच टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू मोर देन वन है, तो जब ये वैल्यू मोर देन वन होगी तो देखिए वन मोर देन वन, मोर देन वन के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो फोर एक्स के इक्वल है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ हो जाएगा ये फोर एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर एक्स के जगह पे हो जाएगा वन प्लस एच, अब फिर यच के जगह पे हम जीरो रख देंगे, तो यच के जगह पे जीरो रख देंगे फोर वन प्लस जीरो यानी ये हो गया फोर। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट की लिमिट जीरो आई है और राइट की लिमिट फोर आई है, फिर यहाँ लिख देंगे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लेफ्ट की लिमिट जीरो है और राइट की जो लिमिट है फोर है, लिख देंगे लेफ्ट एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट यक्स इजक्ल टू वन, तो इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजक्ल टू जीरो एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो इस तरह से ये आप जैसे ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे ही 14 और 16 भी कर लेंगे, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि अभी जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और उसको ऑल पे कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।